डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला। हम अपना टॉपिक इनइक्वालिटी चल रहा था, उसमें हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है कि जब आपको इस टाइप में लिखा हुआ मिलता है तो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए, अगर ये एक इक्वेशन होती एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो हम क्या करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस फोर, और इसको सोल्व करते हुए एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अब ये इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी कैसे है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू का जब साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको जो सोल्व करने का पैटर्न है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, x अपॉन एक्स प्लस फोर, और उसमें ये जब RHS से LHS की तरफ आएगा तो क्या होगा, वन अपॉन का x प्लस वन, और क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। जो पॉजिटिव था वो इधर आया तो किसका बन गया, नेगेटिव का। अब इसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, इसके एलसीएम ले लो, x प्लस फोर और x प्लस वन। उसके बाद देखिए यहां क्या होगा, x x प्लस वन माइनस x प्लस फोर और लेस देन इक्वल टू जीरो, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद इसको आगे सोल्व करिए और देखिए क्या आता है। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस फोर अपॉन में क्या आएगा, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपने एक्स से एक्स को कैंसिल आउट कर दिया तो देखिए क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आपका न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। देखिए जब आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं उस टाइम आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे अब इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोट करो तो आपको दिक्कत नहीं आए। और इस टॉपिक का एक रूल और है कि जो मैं आपको नोट सेंड करता हूं उससे अच्छा है कि आप वीडियो देखते हुए नोट करें। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, वो आपके पास आ चुका है। तो देखिए अब देखो, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू अपॉन में क्या होगा, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपके पास। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, देखो x प्लस टू इक्वल टू जीरो करो तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू। ऐसे यहां पर x माइनस टू इक्वल टू जीरो करोगे तो आपको टू मिलेगा, लेकिन याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ में आपको ये कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। और ऐसा हम प्रीवियस जो वीडियो आपके पास अवेलेबल हुए उनमें हम बता भी चुके हैं कि ये डिनोमिनेटर जीरो होने पर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, और जब अनडिफाइन हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे यहां पर क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये आया कैसे है, एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन सेपरेशन कर लिया। ऐसे एक्स प्लस फोर नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस फोर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, तो यहां माइनस इन्फिनिटिव और ये इन्फिनिटिव, ये हम बात कर ही चुके थे। उसके बाद देखिए आप इनको कहां ड्रॉ करोगे, इस नंबर लाइन पर देखिए, यहां पर आपका माइनस टू, यहां पर आपका माइनस वन, यहां पर आपका माइनस फोर और यहां पर आपका टू हो गया। उसके बाद देखो लेस देन इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको,
लेस देन इक्वल टू की वजह से इन सब पर क्या आना चाहिए था, डार्क सर्किल। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, सब पर डार्क सर्किल आना चाहिए था, लेकिन ये कंडीशन क्या कहती है कि आप डार्क सर्किल लगा ही नहीं सकते। डार्क सर्किल का मतलब है कि वो पॉइंट आपके आंसर में इंक्लूड है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस टू पर क्या आएगा डार्क सर्किल, टू पर क्या आएगा डार्क सर्किल, लेकिन आपको माइनस फोर और माइनस वन पर डार्क सर्किल लगाना चाहिए था, परंतु लगाया क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम डार्क सर्किल लगा देंगे तो माइनस फोर और माइनस वन ये इसमें शामिल हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, और जब ये इन्वॉल्व हो गए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम यहां पर क्या करेंगे, ब्लैंक सर्किल यूज करेंगे। ब्लैंक सर्किल का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर में शामिल नहीं है। और अब आपको क्लियर ही हो गया, देखो सबके पावर वन है, इसका मतलब क्या है, ओल्ड पावर्स है, ओल्ड पावर्स है, कुछ चेक करने की नीड ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो लेस देन इक्वल टू है, कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव वाला, ये और ये, केवल आपके आंसर्स यही होंगे। अब उसके बाद आप सीधा आंसर लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, माइनस फोर से माइनस टू, और क्या होगा टू से इन्फिनेटिव। अब उसके बाद क्या होगा, इन्फिनेटिव पे क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल, उसके बाद माइनस फोर ब्लैंक सर्किल पे ऐसा आएगा, और डार्क होता है उसमें क्या आता है, ये आता है। अब इन दोनों को आप एडिशन करोगे तो क्या कर दोगे, यूनियन, और यही आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब ध्यान दीजिए दोबारा से, हमने यहां हल्की सी मिस्टेक की है, इसको देखो ध्यान से, ये देखो आपने यहां पर नेगेटिव लिया माइनस फोर से टू, ये वाला ले लिया, उसके बाद आपको ये वाला नेगेटिव लेना है, जबकि हमने पॉजिटिव ले लिया था। लेस देन इक्वल टू पे कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का, तो यूनियन क्या होगा, माइनस वन से टू, और यही आपका क्या है आंसर। एक बार दोबारा समझो, एक मिनट के लिए देखो दोबारा से, क्वेश्चन किया आपने साइन यूज करे, लेस देन इक्वल टू दिखाई दिया, तो आपको कौन सा सर्च करना है साइन, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाले आपने साइन यूज कर लिए। अब नेगेटिव वाले साइन यूज करें, पॉजिटिव वाले कर लिए, सब अपना काम हो गया, उसके बाद नेगेटिव वाला आंसर आएगा, तो ये रहा, तो माइनस फोर से माइनस टू और माइनस वन से टू, यही है। अब आप इस पर क्या करते हो, ओपन इंटरवल, इस पर क्या करते हो क्लोज इंटरवल, इस पे क्या करते हो ओपन, और इस पे क्या करो क्लोज, और ये पॉजिटिव वाले आपके आंसर नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे, इसके लिए आप पुराने वीडियो सीरियल से देखिएगा।